नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। महाकाल लोक की भव्यता मंगलवार को यानी आज दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे 200 संतों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 40 देशों में होगा। गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल समेत 6 राज्यों के कलाकार इस दौरान प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर से लेकर उज्जैन तक के 60 किलोमीटर एरिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुरक्षा में 12 BDS टीम समेत 6,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। PM मोदी इंदौर में प्लेन से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। यहां से वे 6:00 बजे महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद महाकाल कॉरिडोर के नदी द्वार पर 6:30 पर पहुंचेंगे और महाकाल लोक को देश को समर्पित करेंगे। यहां वे पूजन अर्चन कर इलेक्ट्रिक गाड़ी से महाकाल पथ देखेंगे। इसके बाद वे कार्तिक मेला ग्राउंड पर सभा को संबोधित करेंगे। PM की सभा 8 बजे तक चल सकती है क्योंकि उज्जैन से रात में हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में PM सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचेंगे। यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री के इंदौर से उज्जैन जाने के लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। MI-17V5 नामक यह मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट खासतौर पर VIP ड्यूटी के लिए तैयार और मॉडिफाई किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से उज्जैन से इंदौर जा सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए उज्जैन के बीच 50 किलोमीटर लंबी सड़क को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।